प्रिय शिक्षार्थियों, आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं उपेंद्रनाथ तिवारी, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आपका स्वागत करता हूं। मैं शिक्षा शास्त्र विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रिय शिक्षार्थियों, शिक्षा स्नातक विषय के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के सिद्धांत के चौथे खंड वैश्वीकरण और शिक्षा के 15वीं इकाई अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा पर चर्चा करने से पहले संकुचित तथा व्यापक राष्ट्रीयता पर विचार करना समुचित होगा। पहला, संकुचित राष्ट्रीयता। जब एक व्यक्ति अपने ही राष्ट्र के हित की बात करता है, उसी के हित के संबंध में सोचता है और विचार करता है, तो वही संकुचित राष्ट्रीयता कहलाता है। संकुचित राष्ट्रीयता सह अस्तित्व एवं सहयोग में विश्वास नहीं करती, बल्कि केवल अपने देश के हित तक ही सीमित होती है। इस संकुचित धारणा से नागरिकों में दुर्गुण पैदा होता है, जैसे अपने देश के प्रति श्रेष्ठता का अहम भाव तथा दूसरे देश के प्रति घृणा का भाव आदि। ऐसी राष्ट्रीय विचारधारा विस्तारवाद तथा विवाद को जन्म देती है। विस्तारवाद से युद्ध के खतरे को बढ़ावा मिलता है। जर्मनी का नाजीवाद तथा इटली से मुसोलिनी की विचारधारा इसका उदाहरण है, जिसने अपने देश को युद्ध की आग में झोंक दिया। अतः स्पष्ट है कि संकुचित राष्ट्रीयता की विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में बड़ा बाधक तत्व है। व्यापक राष्ट्रीयता। व्यापक राष्ट्रीयता में व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होते हुए भी दूसरे राष्ट्रों के हितों का भी ध्यान रखता है, अपने राष्ट्र के साथ ही दूसरे राष्ट्र का भी सम्मान करता है। यही भावना राष्ट्रीयता के विकास में योगदान देती है। राष्ट्रीयता का व्यापक दृष्टिकोण विश्व को विवादों और संघर्षों से मुक्त रखने में सहयोग कर सकता है तथा युद्ध के विभीषिका को समाप्त कर सकता है। इसी व्यापक राष्ट्रीयता से विश्व बंधुत्व को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ एवं परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है संपूर्ण जगत के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समझ एवं सद्भाव। समझ का अर्थ है सभी राष्ट्रों के एक दूसरे की संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान आदि के बारे में जानकारी रखना। सद्भाव का अर्थ है कि सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की संस्कृति के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हुए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान करना तथा विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्रों के विकास में यथासंभव सहयोग प्रदान करना। गोल्डस्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयता वह भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता, अपितु वह विश्व का भी नागरिक होता है। डॉक्टर वाल्टर एच सी लेब्ज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के साथ साथ विश्व का भी नागरिक होता है, इसीलिए इसे विश्व राष्ट्र भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना विश्व के सभी देशों के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करती है। यह एक राजनीतिक संप्रत्यय है जो निम्न पांच मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सहयोग, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप,
अनाक्रमण, शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समझ तथा सद्भाव होता है तथा वे सह अस्तित्व एवं सहयोग में विश्वास करते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध या अंतर्राष्ट्रीयता कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हेतु शिक्षा की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का मूल स्थान शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा हम बालकों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा एक आवश्यकता बन चुकी है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा की आवश्यकता। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सिद्धांत है सहअस्तित्व, अर्थात साथ साथ रहते हुए एक दूसरे के विकास में सहयोग करना। यह तभी संभव है जब विश्व के व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हो, वे विश्व में सभी राष्ट्रों के साथ सद्भाव रखें। इस दृष्टि से वर्तमान परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि व्यक्तियों के सद्भाव के विकास का महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा। युद्ध की समाप्ति के लिए सहअस्तित्व के साथ साथ आक्रमण नहीं करने का भी पोषक है संयुक्त राष्ट्र संघ। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपने रक्षा व्यय में कटौती करता होगा। लगभग सभी देश अपनी रक्षा बजट में बढ़ोतरी करते रहते हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो अकेले ही संपूर्ण विश्व को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी स्थिति में यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस धरती का विकास विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा दुनिया को इस खतरे से बचाने के लिए आवश्यक हो जाता है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह विज्ञान का युग है। इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक देश की भौतिक आवश्यकता में काफ़ी वृद्धि हुई है, जैसे सुरक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां, भोजन आदि तथा यातायात आदि। इस भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम या अधिक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे से अच्छे संबंध आवश्यक होता है, अन्यथा भौतिक आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पहुंचती है, जिससे उस देश की प्रगति भी बाधित होती है। इसलिए देश के विकास के लिए भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की स्थिति में ही संभव हो सकता है। पिछड़े राष्ट्रों के लिए आज भी संसार में कई देश विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे हैं। इन राष्ट्रों का विकास तभी संभव है जब विकसित राष्ट्र या संपन्न राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों, खासकर अफ्रीका के पिछड़े या गरीब देश तथा दक्षिण एशिया के पिछड़े देश आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उन्हें आर्थिक, तकनीकी तथा शैक्षिक आदि सहयोग प्रदान करें। यह सहयोग तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हो। इस दृष्टि से विश्व में इस समय अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों को एक दूसरे से खतरा बना रहता है। वे हर क्षण, हर समय एक दूसरे से सावधान रहते हैं। उनके जनमानस में भी भय का वातावरण बना रहता है। भौतिक विकास चरम सीमा पर है। कुछ देशों में अपार सुख सुविधा है, लेकिन उतना ही मन की शांति का अभाव है।
ऐसी स्थिति से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध ही एकमात्र उपाय है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से एक दूसरे के मन में सहयोग एवं सहायता का भाव आएगा। राष्ट्र के लोगों में एक दूसरे का शोषण करने का विचार मन में नहीं उत्पन्न होगा तथा इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव मात्र के कल्याण का विचार उत्पन्न होगा। विश्व बंधुत्व की भावना के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीयता का मूल तत्व विश्व बंधुत्व की भावना है। बालकों में इस भावना का विकास शिक्षा द्वारा यह बताकर किया जा सकता है कि वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ स्वयं को तथा विश्व के सभी मनुष्यों के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करें। आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात व्यक्ति को दूसरे के सुख और दुख को अपने जैसा महसूस करना चाहिए, अपने जैसा समझना चाहिए। इस तरह विश्व बंधुत्व की भावना का विकास शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को बढ़ाया जा सकता है, उसमें वृद्धि की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हेतु शिक्षा के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध शिक्षा का बहुत महत्व होता है। हम शिक्षा के द्वारा अपने छात्रों में अनेक गुणों का अंकुर पैदा कर सकते हैं, परंतु साधारण शिक्षा से इस प्रकार के कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को इस रूपरेखा का निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी की जाए जिसमें छात्र स्वतंत्र चिंतन करने की शक्ति का विकास करें। शिक्षा द्वारा छात्र विभिन्न तथ्यों समस्याओं के संबंध में ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करें और स्वतंत्र चिंतन द्वारा विश्लेषण कर सके, सही निष्कर्ष निकाल सके। इस प्रकार उसमें निर्णय शक्ति का विकास हो सके। इस प्रकार की शक्तियों के विकास से छात्रों पर संकीर्ण दृष्टिकोण या अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से प्रचारित अफवाहों का प्रभाव नहीं होगा। वे स्वतंत्र चिंतन, निष्कर्ष निरूपण तथा निर्णय शक्ति से तथ्य तथा अफवाहों के अंतर को समझेंगे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें छात्रों को यह ज्ञान हो जाए कि विश्व के छोटे बड़े सभी देश के लोग आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः हमें राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों की स्थापना के साथ साथ विश्व स्तर पर भी मानवीय संबंध बनाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो छात्रों को दुनिया के अन्य देशवासियों के जीवन क्रिया, संस्कृति, सभ्यता, धरोहर तथा मूल्यों के संबंध में संपूर्ण ज्ञान हो सके। विश्व के अन्य राष्ट्रों के देशवासियों से अधिक परिचय हो सके। छात्र उनकी सीमाओं, कमजोरियों तथा शक्तियों से अवगत हों। इस ज्ञान से छात्रों में उनके प्रति सद्भावना जागृत होगा। शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की जाए जो छात्रों में स्वराष्ट्र के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के प्रति उचित अभिवृत्ति का विकास हो। छात्रों को हमारे पुराने सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम के बारे में यह बताना होगा कि संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान है। समय भूमि गोपाल की अर्थात चारों पैरों में संपूर्ण विश्व समाहित है। सभी मनुष्य तथा प्रकृति ईश्वर प्रदत्त है। इस प्रकार की भावनाओं के विकास से ही विश्व नागरिकता का विकास होगा। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो
जो विश्व के संबंध में छात्रों के अधिकाधिक रूप से सही सूचना दे सके। विश्व के आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में घटित विभिन्न घटना चक्रों को उनके कारणों सहित सत्य रूप में छात्रों को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। छात्रों में मानवता का विकास करने वाली ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए जो छात्रों में मानवीय दृष्टिकोण उत्पन्न कर सके, उनकी मानव जाति में विश्वास तथा श्रद्धा पैदा हो सके, वह मानव के महत्व को समझ सके। इस प्रकार का ज्ञान छात्रों को हो जाए तो भविष्य में भी वे अच्छा कार्य कर सकेंगे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाए जिससे छात्रों में सहयोग, सहानुभूति अर्थात दूसरे के सुख दुख का स्वयं एहसास करना या भागीदार बनना, सहिष्णुता या सहनशीलता की भावना विकसित हो। छात्रों को सहअस्तित्व अर्थात सभी राष्ट्रों को आपस में शांतिपूर्वक रहकर अपना अपना अस्तित्व बनाए रहना के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तभी वह जान सकेगा कि परस्पर सहयोग पर ही विश्व शांति तथा मानव कल्याण निर्भर करता है। तभी प्रगति भी इसी परस्पर सहयोग पर निर्भर करती है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें छात्र विश्व शांति तथा विश्व कल्याण संबंधी कुछ प्रयोगात्मक कार्य कर सके। शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास संबंधी प्रदान की जाने वाली शिक्षा सरलतम होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक अथवा तार्किक आदि नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा के उद्देश्य, किसी भी कार्य को करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हेतु दी जाने वाली शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं। छात्रों को यह ज्ञान कराना कि विश्व युद्ध अत्यंत भयावह तथा घातक रूप से लड़ा जाएगा। छात्रों को यह बताना कि तृतीय विश्व युद्ध से समस्त मानव जाति का विनाश हो जाएगा। यह जानकारी प्रदान करना कि विश्व में शांति के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सम्मान प्राप्त हो। छात्रों को यह ज्ञान कराना कि सभी राष्ट्र पृथक पृथक हैं किंतु उसमें रहने वाले मानव एक समान हैं। यह बताना कि मानव जाति के कल्याण तथा उत्थान में प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ योगदान होता है। यह ज्ञान कराना कि विश्व के सभी राष्ट्र आर्थिक अथवा वैज्ञानिक आदि दृष्टिकोण से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। छात्रों को विश्व के अन्य देशों के निवासियों के जीवन, उनकी संस्कृति तथा सभ्यता, धरोहर तथा जीवन दर्शन का ज्ञान कराना। छात्रों को सहअस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कराना। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से मनुष्यों के पृथकताओं तथा समानताओं का ज्ञान प्राप्त कराना। छात्रों में अनेक मानवीय गुणों का विकास कराना। यह बताना कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है। मानवता के कुछ सामान्य उद्देश्य हैं, कुछ सामान्य मूल्य, आदर्श एवं मान्यताएं होती हैं। छात्रों को इन सब का ज्ञान कराना शिक्षा का कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास शिक्षा द्वारा अति सरलता से किया जा सकता है। बालकों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए पाठ्यक्रम को व्यापक बनाना होगा। पाठ्यक्रम में निम्न विषयों का समावेश होना आवश्यक है। संपूर्ण पृथ्वी का ज्ञान,
विश्व के प्रमुख धर्मों एवं आदर्शों का परिचय, विश्व के सभी देशों में रहने वालों का रहन सहन, विश्व की महान संस्कृतियों का ज्ञान, विभिन्न राष्ट्रों के निवासियों में समानता एवं असमानता का ज्ञान, जीवन के विभिन्न शैलियों का परिचय, विश्व के बिखरे हुए सौंदर्य का ज्ञान, विश्व के विभिन्न लोगों के अन्योन्याश्रित होने की भावना का ज्ञान, विश्व के प्रमुख धर्मों एवं आदर्शों का परिचय, मानव द्वारा शांति स्थापना के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उनका ज्ञान। पाठ्यक्रम में उपरोक्त सिद्धांतों का समावेश करने में साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, विदेशी भाषा तथा सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का समावेश होगा। शिक्षण विधि तथा अंतर्राष्ट्रीयता। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियां संगठित और मनोवैज्ञानिक होना आवश्यक है। इससे बालक अपनी बुद्धि के अनुसार तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। कहानियों के माध्यम से प्रारंभिक कक्षा के बालकों को दूसरे देशों के निवासियों के रहन सहन, रीति रिवाज और कामकाज की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था में बालक का अध्ययन विषय मानव भूगोल से संबंधित विषय जैसे मनुष्य जीवन, जलवायु, भौगोलिक दशा तथा व्यवसाय आदि होना चाहिए। किसी राष्ट्र विशेष के निवासियों पर वहाँ की भौगोलिक दशा, जलवायु के प्रभाव से वातावरण कैसा बना और उनके चरित्र आचरण किस प्रकार प्रभावित होते हैं का ज्ञान प्राप्त होगा। इससे राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता का भी ज्ञान प्राप्त होगा। भूगोल के ज्ञान के पश्चात इतिहास का ज्ञान भी होना महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन का महत्व विशेषकर राष्ट्रीय भावना की चेतना उत्पन्न करने से है। इतिहास में समाज, सभ्यता और संस्कृति के अंगों को महत्व देना होगा। इतिहास के मानवीय पहलू को भी स्थान देना होगा। विश्व इतिहास को भी पाठ्यक्रम में विशेष रूप से स्थान देना होगा ताकि विभिन्न राष्ट्रों के नैतिक और सामाजिक उत्थान और पतन का ज्ञान प्राप्त कर छात्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल्यांकन करें तथा इसे आत्मसात करें। पाठ्यक्रम में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यश प्राप्त करने वाले महापुरुषों की जीवनियों और उपलब्धियों को स्थान देना होगा। बालकों को इसका ज्ञान होना चाहिए। महापुरुषों ने जो कुछ भी किया है वह अपने राष्ट्र विशेष के लिए नहीं बल्कि वह संपूर्ण मानवता के लिए किया है। साहित्य पढ़ाते समय एक शिक्षक को विश्व प्रेम से संबंधित स्थलों पर विशेष बल देना चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार के समान होती है। जैसे स्थलों को पढ़ाते समय अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास ही लक्ष्य होना चाहिए। कला के अध्यापन के समय ही कलाकार की जाति, उसके संप्रदाय या धर्म का महत्व नहीं होता वरन कला में निहित सौंदर्य का महत्व होता है। नागरिक शास्त्र का शिक्षण करते समय छात्रों को यह बताना चाहिए कि वे एक राष्ट्र के नागरिक होने के साथ ही साथ विश्व के भी नागरिक हैं।
अपने राष्ट्र के प्रति जितनी जिम्मेदारी है, एक विश्व राष्ट्र के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। इसका भी ज्ञान कराना चाहिए। विज्ञान का शिक्षण करते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वैज्ञानिक आविष्कार मानव को सुखी बनाने के लिए किया जाता है, न कि दुखी बनाने के लिए। अतः वैज्ञानिक आविष्कार सदुपयोग की दृष्टि से करना चाहिए। शिक्षक और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। बालकों में अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित करने की बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है। शिक्षा का व्यक्तिगत आचरण, विश्वास और प्रेरणा बहुत काम आती है। अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा की सफलता बहुत हद तक शिक्षक की योग्यता और सहयोग पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीयता की दृढ़ भावना स्वयं शिक्षक में होनी चाहिए। उसमें यह ज्ञान होना चाहिए कि बालक का पथ प्रदर्शन करते कैसे करे ताकि उसके मन में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके। उसे बालकों के मन में यह बात बैठानी होगी कि विश्व एक है, प्रत्येक मनुष्य समान रूप से विश्व के नागरिक हैं, सभी को यह अधिकार है कि वह अपने को विश्व का नागरिक समझे और उसके अनुसार आचरण करे। शिक्षक को यह भी समझाना होगा कि उसके अपने देश में, अपने देश में जन्म लेने से उसकी विश्व नागरिकता समाप्त नहीं हो जाती। विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा से कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं होता। वह व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रेम का अभाव, सहिष्णुता और सहानुभूति की कमी, द्वेष, अत्याचार, शोषण, क्रूरता आदि के कारण अलग होता है। इन दुर्गुणों से दूर रहने से ही विश्व बंधुत्व की भावना का सरलता से प्रसार होगा। इन दुर्गुणों को समाप्त करने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण घटक निकाय है या समुदाय है। यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में 43 देशों के हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप हुई। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को शिक्षित करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानव मस्तिष्क की अशिक्षा ही युद्ध का कारण होती है। यूनेस्को अनवरत अपने प्रयासों में लगा हुआ है। यह मानव मस्तिष्क को तीन प्रकार से शिक्षित करने का प्रयास है। यूनेस्को का प्रथम प्रयास यह रहता है कि विभिन्न देशों में ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान हो, लोग एक दूसरे के निकट आने तथा समझने का प्रयास करें। इसका दूसरा उद्देश्य विभिन्न देशों की शिक्षा और संस्कृति के उत्थान में सहायता देना है। तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास करना, उसे सुलभ बनाना और उसकी रक्षा करना है। यूनेस्को के क्रियाकलाप इस बात को इंगित करते हैं कि वह विश्व के लोगों की भावनाओं के अनुसार निरंतर कार्य कर रहा है और विकास के पथ पर अग्रसर है। उसका मानना है कि शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, यह एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीमा से बाहर जा सकता है। यूनेस्को शिक्षा, संस्कृति तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास तो करता ही है, साथ ही शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं को हल करने में राष्ट्रों की सहायता भी करता है, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, खगोल, कला आदि संबंधी। यूनेस्को का यह प्रयास रहता है कि किसी व्यक्ति का रचनात्मक कार्य एक सीमा तक न रहे,
बल्कि वह सीमा से बाहर तक जाए। किसी राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति तथा भाषा आदि इसके विकास में बाधक न बने। वह वैज्ञानिकों, टेक्नीशियनों, रेडियो, फिल्मों तथा साहित्यकारों आदि को प्रोत्साहित करता है तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। यूएनओ के सदस्य देश इस प्रकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से तनाव दूर कर लोगों को परस्पर निकट लाने का प्रयास करते हैं। यूनेस्को ने सन 1947 में शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने के संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा विषय पर विचार करने की योजना थी। गोष्ठी में विचार विमर्श कर 10 सिद्धांत तय किए गए। इस सिद्धांत में सामाजिक विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया गया और कहा गया कि इस विषय की सहायता से माध्यमिक स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। ये 10 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विश्व की सभी मुख्य बातों का अध्ययन होना चाहिए। छात्र को विश्व की समस्याओं के किसी भी अंग में रुचि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्व भूगोल पढ़ते समय देश की प्राकृतिक विधियों का विशेष अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान को पढ़ते समय मानव व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन विशेष रूप से करना चाहिए। इससे आवश्यक मानव संबंधों का विकास होता है। भिन्न भिन्न मानव समुदायों के परस्पर अच्छे संबंधों का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए, जो भेदभाव आर्थिक और शिक्षा के स्तर पर, वर्ण, धर्म और संस्कृति के आधार पर उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस विषय के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय तनाव तथा सहकारिता संबंधी समस्याओं के हल करने का प्रयास करना चाहिए। यूएनओ द्वारा इस संबंध में किए गए क्रियाकलापों का भी अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययन में सामाजिक घटनाओं तथा वर्तमान समस्याओं का भी अधिगम कर उसे सुलझाने पर विचार करना चाहिए। इस विषय के अध्ययन में प्रमुख बात यह होनी चाहिए कि सत्य तथ्यों को खोजना चाहिए तथा छात्र को अपनी मनोवृत्ति तथा योग्यता अथवा कौशल के ठीक और सही विकास पर ध्यान देना चाहिए। छात्र के आलोचना और तर्क करने का कौशल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नागरिकों का ज्ञान सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। इस विषय का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को अपने विद्यालय, कक्षा तथा समाज को इस कार्य के लिए प्रयोगशाला के रूप में समझना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांतों से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में किस प्रकार यूनेस्को सक्रिय है। हम उनके कार्य तथा कार्य पद्धति से इस दिशा में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। सारांश: शिक्षा अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में संकुचित राष्ट्रीयता बहुत बड़ी बाधा है। वहीं व्यापक राष्ट्रीयता की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीयता को प्रश्रय देती है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं अत्यावश्यक है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास हेतु कुछ उद्देश्यों का निर्धारण तथा कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। विद्वानों द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का निर्धारण किया गया है। शिक्षक की अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में महती भूमिका होती है, लेकिन इसके लिए शिक्षक की योग्यता, सहयोग तथा उसका व्यापक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना के विकास हेतु सन 1945 में यूनेस्को की स्थापना के परिणाम स्वरूप संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जाने लगा। वर्तमान समय में यह अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। धन्यवाद।